दोस्तों, ये हुंडई का एक्सेंट डीजल गाड़ी का इंजन हो रहा है, तो अभी मैं इसका जो टाइमिंग सिस्टम है वो कैसे होता है और कौन सी मार्किंग को आपको देख के लगाना है उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं अभी इसका टाइमिंग जो है इसको सेट कर लिया हूँ, बस मार्किंग कैसा रहता है ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें आपको दो चेन मिल जाएगा, एक आपका कैमशाफ्ट के साथ, ये जो चेन है ये कैमशाफ्ट के साथ आपका, ये हाई प्रेशर पंप का पुली है इसके साथ होके लगा हुआ है, और एक जो है ये आपका क्रैंक के साथ होके, ये आपका हाई प्रेशर पंप के साथ लगा हुआ है। तो ये दोनों चेन के लिए दोनों अलग अलग टाइमिंग मार्क दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रैंक का जो ये चेन है इसको कहाँ पर मार्किंग है वो दिखा देते हैं। इसमें आपको पुली में इस तरह का मार्किंग मिल जाएगा, ये वैसे चेन में ये मार्किंग है, और आपका जो क्रैंक का पुली है उसमें ये पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पर ब्लॉक में TDC कह के ये जो एरो मार्क दिखा रहा है इसके साथ इसको आपको पैरेलली सेम कंडीशन में रखना है, और इस चेन को आगे जाके ये आपका जो हाई प्रेशर पंप का पुली है ये नीचे का जो चेन है ये लग रहा है, तो इसमें आपका यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, और साथ साथ ब्लॉक में भी आपका ऐसा मार्किंग दिया हुआ है। तो चेन में भी हमेशा मार्क रहता है, इस मार्किंग को, इस मार्किंग को और इस मार्किंग को, ये तीनों मार्किंग को आपको पैरेलली रख के नीचे का जो चेन है इसको बैठा देना है। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा ये मार्किंग भी एकदम सही जगह पे मैंने रख दिया हूँ, और साथ साथ नीचे का चेन का ये तीनों मार्किंग सेम कंडीशन में है, और इसी कंडीशन में आपको ये जो प्रेशर पंप है इसके ऊपर की जो टाइमिंग है, एक्चुअली कैमशाफ्ट के साथ ये वाला जो चेन है इसके टाइमिंग के लिए सबसे पहले आपको कैमशाफ्ट जो है इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बस लगभग ऊपर की तरह रखना है, और इसके बाद चेन में भी आपका ये मार्किंग है और ये मार्किंग है, ये दोनों ऊपर की तरह बैठ जाएगा, और नीचे का जो चेन हाई प्रेशर पंप में बैठेगा फर्स्ट, तो इसके साथ इसका ऑलरेडी टाइमिंग किया हुआ है, तो साथ साथ पुली में भी आपका इसका मार्किंग दिखा रहा है, ये मार्किंग और चेन का मार्किंग दोनों सेम कंडीशन में रहेगा। तो इस कंडीशन में सब अगर आपका सब सेम रहता है तो आप इसका जो पुली का बोल्ट रहता है, मेन बोल्ट, इस पुली का जो नट रहता है, सॉरी, इस नट को टाइट कीजिए। इससे पहले अगर आप टाइट करते हैं तो टाइमिंग करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। अब वैसे मेरा ये काम हो गया है, तो अभी इसको बस गाइड लगा के हम इस चेन को टाइट कर देंगे। यहाँ पर जैसे टेंशन बैठेगा, और ये कुछ गाइड है ये इस जगह पे बैठेगा, बाकी यहाँ पर टेंशनर बैठेगा। तो अभी ये सब काम जो है मुझे कंप्लीट करना है। मैं बस हुंडई एक्सेंट का जो CRDI सिस्टम है, टाइमिंग सिस्टम कैसे है, मार्किंग कौन सा है, और टाइमिंग चेन का कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, नॉइज़ होता है, तो इस इशू के लिए ही खास करके ये वीडियो बनाया, ताकि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को देख के टाइमिंग जो सिस्टम है वो कर पाएं।